चलिए दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सबका मेरा चैनल यू क्रिप्टो, क्रिप्टो की दुनिया, फ्री माइनिंग की दुनिया। तो दोस्तों, बहुत सारे ट्वीट्स हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। कल की ही ट्वीट आया था 8 फरवरी 2030, आपने ये देख लिया ये ट्वीट, तो इससे हम लोग अटकले लगाने लगे क्या है क्या नहीं क्या नहीं। तो आज चालू करते हैं सब आज का वीडियो। आज बहुत सारे बातें करेंगे, हर चीज पे बातें करेंगे, हम लिस्टिंग पे बातें करेंगे, हम कोरोडाओ ऐप नया जो आने वाला है उसके बारे में बात करेंगे और रेट के बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो ये जो ट्वीट है, तो इससे हमने हमारे अंदाज से, हमारे मन से अनुमान लगाना शुरू कर दिया, स्पेकुलेशंस की क्या हो सकता है 8 फरवरी को, क्या हो सकता है, लिस्टिंग हो सकती है, गैस फी मिल सकती है, हमारे 25% जो है वो हो सकता है, या हमारे विड्रॉल निकल सकते हैं। ये हमने हमारा अनुमान लगा दिया, एक एक हमने अनुमान लगाना चालू कर दिया। ये ट्वीट आने के बाद 8 घंटे बाद या 10 घंटे बाद ये ट्वीट आती है, ऑफिशियली स्टार्टिंग कोर एयरड्रॉप काउंटडाउन। तो यहाँ पर ऐसा प्रेरित होता है कि ये उससे कुछ लेना देना नहीं है, लिस्टिंग वगैरह उससे कुछ इसका कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है, ये सतोशी प्लस ऐप से रिलेटेड है। बराबर ना दोस्तों, ऐसे ही लगना हमें लगना चालू हो गया कि उससे रिलेटेड है। 8 तारीख को सतोशी प्लस ऐप आएगा और उसमें हम नए नए एयरड्रॉप करेंगे, ये भी अच्छी न्यूज है। लेकिन हम मन में एक सोचते हैं, दूसरा कुछ होता है तो थोड़ा दुख हो जाता है दोस्तों, तो वो भी होने वाला है सच, उसका कुछ टेंशन मत रखो, वो भी सच हो जाए। तो ये इससे रिलेटेड, ये सब हमारे जो नए दोस्त ज्वाइन हुए हैं, जो 12 दिसंबर के बाद ज्वाइन हुए, उन्हें कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला इस ऐप से, उन्हें कोई भी फायदा नहीं हुआ। तो आप लोग मायूस होने की जरूरत नहीं है, अभी 8 फरवरी के बाद आपको हर चीज इसमें मिलने वाली है दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ, उन लोगों ने उनका एड्रेस भी लिंक करने चाहा, तो उनका एड्रेस भी लिंक नहीं हुआ। देखो, द अवेलेबल क्वांटिटी इज 0, नो नीड टू लिंक द एड्रेस। तो आपका एड्रेस भी उनका लिंक नहीं हुआ यहाँ पर, जो लोग लेट जो। आपके लिए खुशखबरी है दोस्तों कि 8 फरवरी को जो ये नया ऐप आ रहा है, इसमें आप लॉग इन करके माइनिंग चालू कर सकते हैं। तो अभी इसमें कैसे माइनिंग करना है, क्या है, इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको बता देता हूँ, जो पुराने लोग हैं वो भी सुन लीजिए और जो नए लोग हैं उसमें। आपके सामने ये दिख रहा है, देखो ये 3 प्रोजेक्ट दिख रहे हैं, ऐसे 8 प्रोजेक्ट आने वाले हैं, टेंटेटिव शायद 8 या ज्यादा भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं अभी सिर्फ TCA के बारे में बात करूँ, आप सिर्फ उस पर फोकस करके देख लीजिए। वहां पर दिख रहा हैश, माय हैश 1.44, मेरा उतना हैश पावर है। मेरा टीम का पावर कितना है, 10.36 मिलियन, बराबर, और प्रोजेक्ट पावर कितना है, 1.15 मिलियन। तो ये सब हैश पावर का गेम है, हैश पावर हमारा अभी फिलहाल बंद हो चुका है, लेकिन मेननेट आने के बाद फिर से चालू होगा, हैश पावर के ऊपर सारा गेम रहने वाला है दोस्तों। तो हैश पावर इकट्ठा कीजिए, इसमें माइनिंग अच्छे से करते रहेंगे हम, क्योंकि इस बात की पुष्टि मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं खुद नहीं बोल रहा, BSC न्यूज ने भी इसको कंफर्मेशन दिया, मैं आपको BSC न्यूज के साइट पर लेकर जाता हूँ। देखो, हम BSC न्यूज के साइट पर आ चुके, कोरडाओ अनाउंस डेट फॉर एयरड्रॉप, एयरड्रॉप के लिए कोरडाओ ने डेट अनाउंसमेंट कर दिए है। यहाँ पर देखो, आफ्टर मच एंटिसिपेशन कोरडाओ हैज अनाउंस स्पेसिफिक डेट, स्पेसिफिक डेट अनाउंस किया किसका, कोरडाओ एयरड्रॉप एलिजिबल माइनर्स, कोरडाओ फर्स्ट टीज मतलब उन्होंने टीजर, पिक्चर का ऐसा टीजर आता है, वैसा टीजर रिलीज कर दिया ट्विटर को विद एन इमेज ऑफ कैप्शन 8/2/2000। ये तो डेट हमें डाल दिया था, हमने तो देख लिया, ये वाला डेट हमने देख लिया, डेट डाल दिया, बस टीजर रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। फॉलोइंग ट्वीट January 30, देयर वॉज मच कॉन्ट्रोवर्सी अमंग द यूजर्स, सब लोग सोचने लगे अरे क्या है क्या नहीं। मैनी इवन स्टेटेड, बहुत लोगों को ऐसा लगा, वुड इट बी द लिस्टिंग ऑन February 8, सबको लगा कि February 8 को लिस्टिंग हो जाएगी। After much speculation, बहुत चिंतन मनन, थोड़ी देर के बाद ये पोस्ट डाल दी 8 फरवरी की। ठीक है दोस्तों, समझ गए, तो चलते हैं अब रेट की तरफ, लिस्टिंग की तरफ, उस पर बात करते हैं। तो अभी ये है एक लिस्टिंग डेट, प्राइस जो निकाल सकते हैं ना वो, तो अब जैसे कहते हैं इलेक्शन आता है तो मेन रिजल्ट होता है, उसके पहले एग्जिट पोल होता है, ओपिनियन पोल होता है। तो एग्जिट पोल में हमने देखा था जो टेस्ट नेट चल रहा था वगैरह वगैरह चल रहा था, उसमें 6500 रेट निकल के आया था। अभी ये ओपिनियन पोल था, अभी एग्जिट पोल है, तो ये पकड़ लो इन्होंने कल किया है, ये कब किया है इन्होंने, 30 जनवरी को किया। बेस्ड ऑन डिसेंट्रलाइजेशन एंड एफिकेसी ऑफ द कोरडाओ ब्लॉकचेन, द न्यू OEX प्रोटोकॉल, इन्होंने सिर्फ एक सर्वे किया है, टेस्टनेट लॉन्च किया था कल 30 तारीख को, इन्होंने लॉन्च किया था और हमको पार्टिसिपेट करने को कहा। अब सब लोगों ने तो पार्टिसिपेट नहीं किया इसमें, लेकिन जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया उससे क्या रेट निकलता है उस पर हम देखें। गिवन कोड होल्डर्स मेन नेट वर्जन गोज लाइव, तो लाइव जाने के पहले टेस्ट नेट कर लेते हैं, तो उन्होंने कर लिया। वेलकम टू ऑल पार्टिसिपेंट इन द टेस्टिंग ऑफ बीटा वर्जन, बीटा वर्जन में आइए टेस्टिंग करिए, देखते हैं क्या रेट निकलता है। दोस्तों, दिल की धड़कन थाम लो, क्या रेट निकलता है वो बताता हूँ, टेस्टिंग में क्या रेट निकलता है वो बताता हूँ, मायूस नहीं होना, नाराज नहीं होना। तो टेस्टिंग में आज, मतलब आज है 1 फरवरी, 30 जनवरी को निकला, 2 दिन के टेस्टिंग के बाद रेट निकल के आ रहा है $52। ठीक है, ये टेस्टिंग है भैया, एग्जिट पोल है, ओपिनियन पोल है,
सच्ची का इलेक्शन का रिजल्ट नहीं है, ये सिर्फ उन्होंने टेस्टिंग किया है। तो ये टेस्टिंग है सिर्फ। देखो यहाँ पर वॉल्यूम कितना है, 18.80 वॉल्यूम है हमारा, तो 131 मिलियन वॉल्यूम है, बहुत बड़ा वॉल्यूम है। तो ये टेस्टिंग चल रहा है, टेस्टिंग से जो रिजल्ट निकलता है निकलने दो, देखेंगे आगे जाके। तो इतना तो है, टेस्टिंग में 52 निकलता है तो उससे ज्यादा भी हो सकता है, और 52 बहुत बड़ी अमाउंट होती है दोस्तों। $1 भी लग जाए बहुत बड़ी अमाउंट है, 52 तो बहुत बड़ी है। हालांकि हम लोग ज्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं इसलिए दुखी हो रहे हैं, लेकिन दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, रेट का तो हो गया ना। अभी उसके बाद यहाँ पर उन्होंने डाला 8 फरवरी। उसके बाद उन्होंने आज सुबह सुबह एक पोस्ट डाल दिया, गेट रेडी कोर कम्युनिटी लीडिंग अप टू 8 फरवरी। आज की ये पोस्ट है, 10 घंटा 20 घंटा पहले की होगी, कुछ तो 31 जनवरी कल रात की थी। लीडिंग अप टू 8 फरवरी, प्रिपेयर फॉर डेली एक्साइटिंग न्यूज, रोज एक्साइटिंग न्यूज, आश्चर्यजनक न्यूज रोज आएंगी, अनाउंसमेंट्स रोज आएंगी और सरप्राइजेस रोज आएंगी। तो ये पोस्ट डाल दिया तो अब तो बल्ले बल्ले, अब तो कुछ होने वाली बात है, क्योंकि रोज वो कुछ ना कुछ डालेंगे, कुछ सरप्राइजेस देंगे, कुछ ना कुछ हमें बताएंगे। शायद 8 फरवरी के पहले भी 6 फरवरी को हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमको मिल जाए, गैस भी मिल जाए और 25% कोर्स भी मिल सकते हैं। भी रोज ही न्यूज आने वाली है तो रोज एक्साइटमेंट बना रहेगा। और इन्होंने आगे डाल दिया 10 days ऑफ कोर। अभी 8 फरवरी तक तो 8 दिन ही होता है, 10 days मतलब 8 फरवरी के बाद 2 दिन भी हमें सरप्राइजेस मिलते रहेंगे दोस्तों। तो चलते हैं, अच्छी बात है। उसके बाद ये पोस्ट होने के बाद उन्होंने थोड़ी देर के बाद ये वाली भी पोस्ट डाल दी, 7 days टू गो। तो डेली अप कर रहे हैं, सिर्फ इतनी पोस्ट डाली है, मैंने वीडियो बनाने तक यही पोस्ट है। शायद वीडियो अब तक आने तक, लोड होने तक और कोई पोस्ट आ जाए तो उसकी वीडियो कल बना दूंगा। लेटेस्ट पोस्ट तो ये है मेरे पास दोस्तों, तो ये अच्छी बात है। अब देखते हैं, बहुत सारी चीज है उस पर देखते हैं, डिस्कशन करेंगे, रेट क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे। ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, ऑफिशियल पेज है, वहां पर देख लेते हैं कॉर्प का। बहुत सारी चीज लिखी है लेकिन जो मुझे चीज दिखानी उतनी दिखा देता हूँ। बहुत सब कुछ उसमें वही है, 25%, 131 कोर वगैरह वगैरह। ये जो पार्ट है ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट एक्सचेंजेस है। कल को अगर लिस्ट होता है कोर डाओ, कल को कोर डाओ लिस्ट होता है तो सिर्फ ये 7 एक्सचेंजेस है उस पर ही आप कॉइन डिपॉजिट करना, ट्रेडिंग करना और बेचना, और किसी एक्सचेंज पर नहीं। इन्होंने रिक्वेस्ट की है और कोर डाउन कंफर्म किए हुए सिर्फ 7 एक्सचेंजेस है। मार्केट में 20, 10 कुछ भी आंकड़ा आ रहा है लेकिन ये 7 कंफर्म न्यूज है। OKX, Hubi, Bybit, Max Global, Pionex, Bitmart और CoinTableau। ठीक है दोस्तों, रेट पर चर्चा करेंगे आराम से चर्चा करेंगे। सर देखो अभी हमारे पास फिलहाल तो 2 ही डाटा है, सर्कुलेटिंग सप्लाई 131.4 बराबर देख लेते हैं। अभी ये इथेरियम का देख लो, इनका कितना है 122.3, इथेरियम का सर्कुलेशन सप्लाई 122.3 है, हमारा उनसे ज्यादा है। हमारा इसमें से कितना मार्केट में आता है, क्या आता है, इस पर स्पेकुलेशन लगाएंगे और 6 तारीख के पहले पक्का डेट हम खुद प्रेडिक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के दिन में इतना ही। रोज 8 दिन तक 10 दिन तक न्यूज आने वाले है तो चैनल पे बने रहिए, रोज आके अपडेट्स देखते रहिए। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही अपडेट्स रेगुलरली मिलती रहेंगी। अगर आप मेरा ट्विटर हैंडल या व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।